नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्टेड करके दे सकूँ, जिससे आपका भी टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा कौन सा स्टॉक है। दोस्तों, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो आज इस कंपनी में अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसे में इस कंपनी का सपोर्ट लेवल क्या होगा, कहां से यह कंपनी अगेन बाउंस बैक करेगा, क्या टारगेट्स होंगे, क्या सपोर्ट होंगे, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। आप देखेंगे आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 480 रुपये के पास में और लगभग 4% की गिरावट के साथ इस कंपनी ने क्लोजिंग लिया है। जबकि अगर इस कंपनी के 52-week हाई और लो की बात करें तो इसने अपना लो बनाया था 67.90 ऐसे का, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को बनाया था। वहीं इस कंपनी का अगर हाई की बात करते तो 570.50 रुपए, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को बनाया था इस कंपनी में। और आज इस कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर आज के डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 60% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है आज डिलीवरी बेस पे। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखें तो आप देखेंगे यह कंपनी ऑल टाइम हाई लगा चुका है अभी हाल ही में, यानी कि इस कंपनी का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, कंपनी उस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर निकल चुका है। तो ऐसे में इस कंपनी में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होकर या कंपनी थोड़ा सा नीचे आता है और अगेन सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में आपको और भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में क्या डिटेल्स निकल कर आता है। दोस्तों, ये हमने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यह कंपनी अपने जस्ट सपोर्ट लेवल के पास में ही आकर रुका हुआ है, जो कि यही कंपनी इसी लेवल पे आपको 2 से 3 बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भी दिख गया था। तो वही लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब इस कंपनी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यह कंपनी अगर सेम लेवल पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो इस कंपनी में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगा और उसके बाद इस कंपनी में आपको 510 रुपए का टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार यह कंपनी इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर 535 रुपए तक का टारगेट कहीं नहीं गया है शॉर्ट टर्म में। अगर यह कंपनी इस लेवल को, यानी कि अगर यह कंपनी यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और इसके नीचे जाता है तो फिर 475 रुपए तक का सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं वो कंटिन्यू करें, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए हैं वो चाहे तो 475 रुपए के सपोर्ट के पास, यानी कि उसके थोड़ा सा नीचे 470 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगाकर आगे के लिए कंटिन्यू करें। क्योंकि यह कंपनी अगर उस लेवल को क्रॉस करके उसके नीचे निकलता है तो फिर 438 रुपए तक अगेन जाने की उम्मीद हो सकती है। इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर से जरूर लगा कर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी लॉस में इंटर कर जाएगा और आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले अपना स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यू करें और लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल भी पैनिक न करें। अगर यह कंपनी करेक्ट होता है तो आप चाहे तो और भी ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।